इनके ऊपर जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा करोड़ों रुपए फालतू में बर्बाद होता है। कोई जरूरत नहीं इस पद की। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का वड्डा बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा कि देश चो गवर्नर ते लेफ्टिनेंट गवर्नर दे ओदे खत्म किते जाने चाहिदे ने, क्योंकि राजभवन देश च राजा भवन ही रह गया है। एक भी व्यक्ति उन्होंने वोट नहीं दिंदा ते केंद्र दे इशारे ते ओ सिर्फ डंडा चलाउन दा काम करदे ने। देखिए, मेरा अपना मत है, मैंने अभी दो दिन पहले भी इस बात को बोला कि राज्यपाल और एलजी का जो पद है इसको खत्म कर देना चाहिए। इनके ऊपर जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा करोड़ों रुपए फालतू में बर्बाद होता है। कोई जरूरत नहीं इस पद की। 3 करोड़ लोगों ने चुनकर भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाया है। 3 करोड़ लोगों ने यहाँ के एमएलए को चुना है। उसके ऊपर कोई राज्यपाल बैठ जाए राजा की तरह, कोई एलजी दिल्ली के अंदर बैठ जाए राजा की तरह, तो वो ठीक नहीं है। राजभवन जो है वो राजा भवन के रूप में तब्दील हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल को अपने अधिकार और सीमा को समझना चाहिए, और मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 वोट तो लोग इनको देते नहीं, कहीं से चुन के आते नहीं, इनकी कोई जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, लेकिन डंडा चलाने के लिए ऊपर वालों के इशारे पर, केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल और एलजी तैयार रहते हैं। तो इसलिए इस पद की ही आवश्यकता नहीं। अगर आप मुझसे मेरा मत, राज्यसभा में मुद्दा उठाओगे सर, पंजाब में भी देखने को मिल रही है, पंजाब में भी देखने को मिल रही है। आप बताइए उन विषयों पर राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय उपदेश दे रहे हैं भगवंत मान जी को, जो उनका विषय ही नहीं है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पंजाब के अंदर एक चुनी हुई सरकार है, भगवंत मान जी यहाँ के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप ऊपर से चिट्ठी जारी कर रहे हैं, संजय जी वो सवाल उसको मीडिया में दे रहे हैं। आप कौन होते हैं जिस क्षेत्र में आपको संविधान के अंदर पावर ही नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार से आप इस तरीके से सवाल पूछें या चिट्ठी लिखें? संजय जी पहले वो सवाल पूछते थे, अब वो धमकियां दे रहे हैं कि 15 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे उनकी याद करा रहे हैं, उनकी धमकियों से क्या हो जाता है, उनकी धमकियों से थोड़ी हो जाएगा कुछ। पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने, पंजाब की 3 करोड़ महान जनता ने यहाँ की सरकार को चुना है। 92 सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बने हैं। वो किसी राज्यपाल के डंडे से सरकार नहीं चलेगी, यहाँ के लोगों के मत से चलेगी। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।